Hey you guys, केम शो, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरे घर पे चल रही है सफाई, एज यू ऑल नो। दूसरा रूम निकाला था, उसमें थोड़ा बहुत बाकी था, ये थोड़ा बहुत मेरा कलेक्शन आप देख लो। स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया है, सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट बहुत किया है, तो फिर ये सब थोड़ा बहुत कलेक्शन है मेरा। कुछ नहीं, अभी मैं सफाई करके थोड़ा फ्रेश होके फिर आपको मिलती हूँ। इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलती हूँ मैं सफाई करने के बाद। आप लोग गैस भी नहीं कर सकते मैं किधर बैठी हूँ। अभी मैं बैठी हूँ अभी माड़िया के अंदर, मतलब माड़िया जो बोलते हैं ना, वो कबर्ड जो होते हैं ऊपर की साइड जो। फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आधे घंटे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और ये चढ़ नहीं पा रही। तेरे को एक सेकंड में चढ़ के दिखाऊं मैं। भाई चल करती है, मैं पकोड़े खा के चल चल जुम्बा से, और इसका कोई लेना देना नहीं है। चल चढ़ ऊपर। तो नहीं, अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। सफाई ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मैंने नहाया कितने बजे, 2 बजे मैंने नहाया है। इतनी सफाई की इसलिए मैंने सोच के रखा था कि लेट ही नहाऊंगी पूरी सफाई करके, तो मैंने बस सफाई करके फिर 2 बजे नहाया, 2:30 बजे अभी खाना वाना खा के फ्री हुई हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2:45 बज चुके हैं और ईशान आएगा तो फिर मैं उसको छोड़ने जाऊँगी क्योंकि मेरे को एक्टिवा चाहिए। तो बस, और तो कुछ नहीं, इस व्लॉग को एंड तक देखते रहे। इसको पता नहीं क्यों कैमरा में आना नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है भाई तेरे को? हमें इतने सारे लोग तेरे को देख रहे हैं तो फिर। अबे साले तभी वर्ड बहुत बकवास था। मेरा सुंदर मुंह किसी को नहीं दिखाना है, मेरे को ऐसा बोल रहा है। खराब खराब हाँ खराब, लड़कियाँ देख रहा है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, मैं निकल रही हूँ अभी जिम के लिए और मिलती हूँ डायरेक्ट आपको मैं जिम पहुँच के। अभी ऐसा है कि मेरी एक्टिवा बंद हो गई है, जबकि पेट्रोल फुल है, पर पता नहीं क्यों एक्टिवा बंद हो गई है। अभी रीज़न तो पता नहीं, मैं पानी की बोतल लेके डालती हूँ साइलेंसर पे, शायद गर्म हो गया और इसीलिए हो रहा हूँ, देखते हैं। और क्या, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है इसलिए मैं ऑटो में ही जाऊँगी। ऑटो फुल चारा नहीं है, लेट हो जाऊँगी ऑफिस में। जाना पड़ रहा है और तो कुछ नहीं, तो चलो मैं मिलती हूँ डायरेक्ट बैच लेने के बाद, ठीक है। फाइनली तो मैं शूट करना भूल गई, फिर मेरे को यहाँ पे घर पे आके याद आया कि मुझे शूट करना था, ब्लॉग मेरा कंटिन्यू है। तो मैं रिक्शा से गई थी एक्टिवा लेने फिर से मेरी, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करूँ, शायद चालू हो जाए। तो खुद ही चालू हो गई, पता नहीं कैसे, अभी बंद क्यों हुई थी मुझे पता नहीं चला क्यों ऐसा हुआ, बट मैं जब एक्टिवा लेने गई तो वो खुद चालू हो गई थी एक्टिवा। तो फिर मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा कुछ खाऊँगी क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है। खाना तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बट जब तक खाना खाऊं उससे पहले मैं कुछ खाऊंगी, तो थोड़ा बहुत कुछ लाइट खा लेती हूँ। मैं अभी पी रही हूँ चाय। तो आरती की बर्थडे है आज, मतलब मेरी स्कूल की फ्रेंड है, बट सोचा नहीं था अभी ऐसे टाइम सेट होगा जाने का, बट मेरे को अचानक से ऐसा हुआ कि मैं लेके जाऊँ उसके लिए केक। तो मैं आई हूँ अभी इधर, ओम फूड्स है मेरे पुराने स्कूल के सामने ही है, सालवेशन के सामने। तो मैं केक लेने आई हूँ और उसको सरप्राइज़ देती हूँ, थोड़ा छोटा सा केक बेक लेके जाते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। मैं आ गई हूँ और किसी को आइडिया नहीं है कि मैं आने वाली हूँ क्योंकि मैं आती नहीं इधर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ऐसे कोई सेलिब्रेशन था नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए, तो अचानक से ये लोग शॉक हो गए, तो सब चेंज वेंज करें, थोड़ा रेडी हो जाए, फिर हम केक कट करेंगे और कुछ नहीं।
मेरे को अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और अरे यार इतना रोए थी यार, फोटो भी करवा देंगे। खुश थी भाई, साथ थी, खुश थी भाई। हडिस चाली खा, हडिस कितने चाली खा ये उंदो आंटी सही गैस कर रहा हमारे बेस्ट फ्रेंड। चलो हेलो हेलो। अरे तुम ना गाना मत, ना 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 तो के हां तो कंट हां हां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो यार अश्विन ने ना मुझे वीडियो ही दिखा बोला पकड़। तो मैं घर आ चुकी हूँ और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिएक्शन होगा, बट थोड़ा बहुत पता था कि अचानक से ऐसे बहुत टाइम बाद जा रहे हूँ और ऐसे मैं कभी गई नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए। थोड़ा ऐसे मैंने रैंडमली किया, कुछ ऐसे पहले से सोचा हुआ नहीं था, मैंने विद इन अ मिनट मतलब उसी टाइम पे ही, मतलब मैंने सोच के नहीं किया था ये, उसी टाइम पे बस ऐसे दिमाग में आया और मैं डायरेक्ट रैंडमली ऐसे चली गई सरप्राइज़ देना। बट जो स्माइल थी वो मतलब उससे मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, वो स्माइल से मुझे खुशी मिली बहुत। तो बस यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी की खुशी में ही हमारी खुशी हो तो उससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। वो बोलते हैं ना कि किसी और के चेहरे पे स्माइल आए और उसका रीज़न आप हो, तो उससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। मतलब बहुत एक अंदर से मेरे को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है वो। तो बस ये स्माइल ही देखनी थी और तो कुछ नहीं। तो अब ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और मुझे ये व्लॉग एडिट भी करना है, और कल का व्लॉग जो मैंने बनाया वो अभी मेरे को पोस्ट भी करना है। तो इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें और ऐसे ही खुशियाँ बांटे। छोटी 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 चीज़ों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं, तो खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके आस पास ही खुशियाँ हैं। बस छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, आपको खुद फील होगा कि असली खुशी क्या है। तो बस इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। ओ जी।